आज दिल्ली में आतिशी पारी की शुरुआत होने जा रही है। इससे जुड़ी हुई हर खबर होगी आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन अमेरिका के दौरान क्या क्या करने जा रहे हैं, इस दौरे की डिटेल होगी आपके सामने। चर्बी कांड पर छिड़े संग्राम से लेकर जम्मू कश्मीर की सियासी जंग के बारे में आपको बताएंगे। हिमाचल में हिंदू संगठन आज कहां और कैसे हल्ला बोलने वाले हैं, ये भी आप जानेंगे। संत कबीर नगर में पोस्टर पर एक्शन की खबर से लेकर रियासी में एनकाउंटर का हर अपडेट मैं आपको दूंगी। कहां एक बार फिर मस्जिद पर महाभारत छिड़ गए, कहां मरीजों के लिए आज की सुबह खुशखबरी लेकर आई, पूरी बात आपको समझाऊंगी। चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का अपडेट भी आपको दूंगी, लेकिन सबसे पहले बात करूंगी मुंबई के धारावी की। मुंबई के धारावी में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए हैं। ये लोग महबूबा सुभारी मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल बीएमसी की टीम आज मस्जिद के अवैध स्ट्रक्चर को गिराने के लिए पहुंची और इसी के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई। पुलिस लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही थी, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लेकिन पुलिस कितनी थी और लोग कितनी बड़ी संख्या में यहाँ प्रदर्शन के लिए जुटे थे, दोनों के बीच में आप फर्क देख सकते हैं। अब कितनी शांति बनाई गई और कितनी शांति बन पाएगी, इसे लेकर मन में एक सवाल पैदा होता है। और हर सवाल का जवाब देने के लिए इस वक्त दमदार चैन में हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत राय धारावी से जुड़ गए हैं। साकेत, इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं प्रदर्शनकारी और बड़े नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। अव्वल तो आप पहले दर्शकों को ये बताएं कि स्ट्रक्चर अवैध है या नहीं है। साकेत, अगर आप मुझे सुन पाए हैं तो सवाल का जवाब दें कि क्या जो ये स्ट्रक्चर गिराने की प्रक्रिया होनी है, ये स्ट्रक्चर अवैध है या नहीं है? और अगर स्ट्रक्चर अवैध है तो फिर इस तरीके का हंगामा क्यों? देखिए, बीएमसी की तरफ से जो जानकारी हमें मिली है मीनाक्षी, उसमें बताया गया है कि मस्जिद जो है वो अवैध है और इसकी जानकारी मस्जिद के ट्रस्टियों को दे दी गई थी। धारावी इलाका है, महबूबाए सुभानी मस्जिद का नाम है और आज जब बीएमसी के लोग यहां पहुंचे हैं, जानकारी मस्जिद के ट्रस्टियों को कल ही थी कि बीएमसी जो है वो आज के दिन यानी कि शनिवार के रोज वहां पहुंचने वाली है, मस्जिद में तोड़क कार्रवाई होने वाली है। यही वजह है कि इतनी भीड़ वहां पर इकट्ठा कर ली गई है। बीएमसी के अधिकारी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पहले धारावी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दी और पुलिस के साथ जब वहां पर पहुंचे हैं मस्जिद पर, तो बड़ी भीड़ वहां पर इंतजार कर रही थी उनका और यही वजह है कि अब तक कार्रवाई शुरू नहीं हो पा रही है। उनको समझाने की कोशिश, जो भीड़ वहां पर इकट्ठा है उन्हें समझाने की कोशिश जो है वो फिलहाल चल रही है ताकि बीएमसी अपना काम कर सके। लेकिन आपको बता दूं कि कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोग बताया गया कि बीएमसी यहाँ पर पहुंचने वाली है, इस वजह से आप लोग भारी संख्या में इकट्ठा हो और यही वजह है कि हम इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें भीड़ बहुत ज्यादा है। लेकिन जो अपनी जानकारी मिल पाई है बीएमसी की तरफ से, उसमें ये बताया गया है कि मस्जिद का बड़ा हिस्सा जो है वो अवैध है और यही वजह है कि थोड़ा कार्रवाई करने बीएमसी वहां पर पहुंची। यही बात देखिए समझ से परे होती है कि अवैध निर्माण पहले होता क्यों है। जब हो रहा होता है तब ये तमाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आंख बंद करके बैठी रहती है, हो सकता है खाना खिलाने का खेल जो है चलता रहता हो। और अब जब इसे गिराने की तैयारी की गई है तो फिर प्रदर्शनकारी ऐसे खड़े हो जाते हैं मानो उनका अपना घर गिर रहा हो। अब कोई चीज अवैध है तो अवैध है, उसे गिराया जाएगा और कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। अब इसका सोल्यूशन क्या निकलता है ये बीएमसी जाने, वहां का लॉ एंड ऑर्डर जाने। हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, अब इसका असर पूरे देश के मंदिरों में दिखाई दे रहा है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाने के पीछे आखिर साजिश किसकी है और ये कैसी साजिश है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन इससे पहले देश भर के मंदिरों में प्रसाद को लेकर जांच शुरू हो गई है। हर जगह के अधिकारी और सरकार अलर्ट हो गए हैं। बड़ी खबर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से भी आ रही है, जहां मंदिर प्रशासन और एसडीएम की टीम ने लड्डू वाले प्रसाद की जांच की है। मंदिर प्रशासन और एसडीएम ने प्रसादम सेंटर पर औचक निरीक्षण किया। लड्डू बनाने के दौरान उसकी गुणवत्ता, उसकी शुद्धता और पवित्रता परखने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के एसडीएम वहां पर पहुंच गए। उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक लड्डू निर्माण की पूरी प्रक्रिया की जांच की। एसडीएम और उनकी पूरी टीम ने खुद लड्डू खाकर उसका स्वाद भी चखा।
तिरुपति बालाजी में जिस तरीके की घटना सामने आई है, हिंदू धर्मावलंबी इस वक्त बेहद आक्रोशित भी हैं और व्यथित भी हैं। ये दोनों भावनाएं एक साथ उबाल मार रही हैं और इसलिए यही भावना अलग अलग राज्यों में सरकारें और सरकारी अधिकारी भी महसूस कर पा रहे हैं। आप सोचिए, तिरुपति बालाजी मंदिर में वहां के प्रसाद में चर्बी का इस्तेमाल करना, फिश ऑयल का इस्तेमाल करना, ना कोई शुद्धता ना कोई गुणवत्ता की जांच होना, और इसलिए इस वक्त हर जगह के मंदिर का प्रसाद जो है वो टेस्ट किया जा रहा है और ये बहुत जरूरी है। मंदिर के प्रसाद की जांच के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के एसडीएम का बयान आया। एसडीएम शंभू शरण सिंह ने कहा कि जिस घी से लड्डू मिलाकर उसका टेस्ट कराया गया, काशी विश्वनाथ धाम के प्रसाद में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। जो तिरुपति बालाजी के प्रसादम में मिलावट की खबर आई है, उसके बाद से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन इस बात को लेकर के चिंतित था कि हमारे यहाँ जो लड्डू बन रहे हैं, हालांकि हम उसकी सैंपलिंग हमेशा फूड डिपार्टमेंट से कराते हैं, फिर भी एक बार हम फिर से इस चीज़ के लिए कंफर्म होना चाह रहे थे कि सब चीज़ हमारे यहाँ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के मद्देनज़र हमारे दो वेंडर हैं, दोनों वेंडरों के लड्डू जहाँ बनते हैं उनके दोनों गोदामों पर औचक निरीक्षण किया गया है, सामानों की सैंपलिंग कराई गई है, घी की सैंपलिंग हमने कराई है, पूरा प्रोसेस को देखा है कि किस ढंग से बन रहा, बनाने में कौन कौन लोग सम्मिलित हैं उसको भी हम लोगों ने ध्यान दिया है और सब चीज़ ठीक मिली है, कोई चीज़ की गड़बड़ी नहीं मिली है। तो हम ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि श्री काशी विश्वनाथ धाम अपने श्रद्धालुओं को जो भी प्रसाद अपने मंदिर प्रांगण से वितरित कर रहा है वो बिल्कुल शुद्धता और मानक के अनुरूप होता है। तिरुपति बालाजी में जिस तरीके की मिलावट हुई है उसके बाद आपने देखा कैसे वाराणसी में बकायदा लड्डू की टेस्टिंग की गई है। इस गड़बड़ी के बाद से, यानी जो तिरुपति बालाजी में प्रसाद पे गड़बड़ी हुई उसके बाद से इस खबर से पूरा देश हैरान है। राजस्थान के भजनलाल सरकार भी एक्शन में आ गई है। राजस्थान में सभी बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच की जाएगी। 23 से 26 सितंबर के बीच मंदिरों के प्रसाद की जांच का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। इधर तिरुपति में प्रसाद को लेकर भयानक बवाल मचा हुआ है, इसे लेकर राज्य सरकारें बहुत सतर्क हो गई हैं। अब राजस्थान की सरकार की ही बात कर ले, तिरुपति बालाजी प्रसाद में गड़बड़ी की खबर के बाद भजनलाल सरकार ने एक आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि एक तारीख तक उन्होंने तय कर दी है जहां सभी बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच की जाएगी। तिरुपति प्रसाद खुलासे के बाद नायडू सरकार एक्शन में है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों के प्रसाद के ऑडिट का आदेश दे दिया है। कर्नाटक सरकार भी हरकत में आ गई है। कर्नाटक सरकार ने भी सभी मंदिरों को लेकर आदेश जारी किया है। कर्नाटक सरकार ने प्रदेश के सभी मंदिरों में नंदिनी घी के इस्तेमाल का आदेश जारी कर दिया है। आप देखिए, तिरुपति जो कि देवस्थानम बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है, आप उस देवस्थानम बोर्ड के बारे में जानकारी लीजिए। पूरा एक बोर्ड है जो वहां की पूरी पहाड़ी, वहां का मंदिर, वहां पर चलने वाले आश्रम, वहां पर चलने वाले मठ, सब कुछ उस देवस्थानम बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। और वहां पर इतनी बड़ी धांधली हो गई, हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो गया। और आज जब इसका निरीक्षण हुआ तो सारे मंदिरों में अब प्रसाद को लेकर टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्यों ये पहले से नहीं किया जाता है, जबकि FSSAI का ये काम है हर तरीके के मिलावट के ऊपर अपनी नजर बना के रखना। मंदिरों के प्रसाद का अब ऑडिट किया जा रहा है, वो उत्तर प्रदेश के मंदिर हो, वो राजस्थान के मंदिर हो या फिर कर्नाटक के। इसी बीच एक तस्वीर अब मैं आपके सामने एक बार फिर रख दूं। मुंबई के धारावी में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। महबूबा सुभानी मस्जिद के बाहर इस वक्त बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स एकत्रित हो चुके हैं। धारावी में सड़क पर उतर आया है मुस्लिम समाज और पुलिस को नाकू चने चबाने पड़ रहे हैं इन लोगों को समझाने के लिए। BMC की टीम अवैध निर्माण को गिराने के लिए यहाँ पर पहुंची है, लेकिन यहाँ का जो समुदाय है वो इसके लिए तैयार नहीं है। हमारे सहयोगी साकेत इस वक्त मौके पर मौजूद है, लाइव हमारे साथ जुड़ गए। साकेत, जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं,
पुलिस की तैयारियां क्या हैं बताएं, और क्या बीएमसी वाकई में आज ये अवैध निर्माण गिरा भी पाएगी? शहर से बताया जा रहा है कि आप लोग आने जाने वाली पब्लिक को तकलीफ मत दो। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, इस वक्त हम मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर मौजूद हैं। यहीं से कुछ कदमों की दूरी पर महबूबे शुभानी मस्जिद है, आप उसी की तस्वीरों में लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ लगातार मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन से पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है कि लोग शांति बनाए रखें। अगर आप इस वक्त आसपास के इलाके में देखें तो आपको एक पूरा मॉब नजर आएगा। यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर आप देखिए कि पुलिस का जो बंदोबस्त है वो भी काफी ज्यादा तैनात है। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर महबूबे शुभानी मस्जिद है, जिसके इनलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए आज बीएमसी के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में पहले से ही यहाँ पर जो है लगातार जिस तरह से घटनाएं हुई उसके बाद बीएमसी की तरफ से पहले ही नोटिस दिया गया था। नोटिस देकर इस बात की जानकारी दी गई थी कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। अब बीएमसी के अधिकारी जब यहां पर पहुंचे हैं तो इस वक्त आप देखिए कि यहां पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात है। हम इस वक्त मस्जिद से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पुलिस बंदोबस्त इस वक्त तस्वीरों में देखें तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस कितनी मुस्तैदी के साथ तैनात की गई है। वहीं आपको बता दें कि बीएमसी की तरफ से भी जो सिक्योरिटी होती है उसे भी यहाँ तैनात किया गया है। यहाँ पर पुलिस का एक जो पूरा का पूरा दल है वो यहाँ पर है, रिजर्व फोर्सेज यहाँ पर तैनात की गई हैं। वहीं दूर तक बीएमसी की गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और आपको बताएं कि इस वक्त जिस तरह से यहाँ पर घटनाक्रम बना, जिस तरह से सिचुएशन जो है लॉ एंड ऑर्डर की खराब ना हो उसके चलते बीएमसी और पुलिस के बीच बातचीत हो रही है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय और उनके बीच भी बातचीत हो रही है और लगातार इस बात की समीक्षा की जा रही है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उत्पन्न न हो। आपको बताएं कि यहाँ के पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की तरफ से भी अंदर जाकर लोगों से बात करने की कोशिश की गई, उसके बाद यहाँ पर जो बस अटकी हुई थी उसे बाहर जाने दिया गया। हम आपको फिर से तस्वीरों में लेकर चलते हैं। साकेत, ये तस्वीरें भी आप दिखाएं और साथ में ये बताएं कि जो इस मस्जिद के कर्ता धर्ता हैं वो इस समाज को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है? बिल्कुल, देखिए इस मामले में आपको बताएं कि जितने भी मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ट्रस्ट के लोग हैं, वो पुलिस स्टेशन पर आए थे। सुबह ही उन्होंने बीएमसी अधिकारियों से भी बात की। बीएमसी अधिकारियों को जो है वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए कि उन्होंने कोर्ट में अपील की है, स्टे के लिए जो है वो दाखिल किया है, अपील दाखिल की है और उन्हें जल्द ही स्टे मिलेगा। हालांकि बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इस मामले में अभी तक स्टे नहीं दिया गया है और इसलिए इस कार्रवाई को आगे जारी रखा जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या बीएमसी अधिकारी इसमें सफल हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि पुलिस बंदोबस्त तो यहाँ पर तैनात है। बीएमसी के अधिकारी भी इस वक्त धारावी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। सीनियर पुलिस अधिकारी और बाकी लोगों से बातचीत भी की जा रही है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, सुनवाई हो और किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी उत्पन्न हो। लेकिन आपको धारावी का इलाका जो है वो थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सकरी गलियाँ हैं। एशिया की सबसे बड़ी जो स्लम एरिया है वो इसे माना जाता है और ऐसे में अगर आप तस्वीरों में देखें तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर उत्पन्न होती है तो किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप देखिए धारावी पुलिस स्टेशन के बाहर भी जितने भी मौलवी हैं, मौलाना हैं, मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी पुलिस स्टेशन पर मौजूद हैं और पुलिस और बाकी लोगों में लगातार कोऑर्डिनेशन भी चल रहा है। हालांकि ये बात देखना होगा अब आगे चलकर कि यहाँ पर देखिए फिर से पुलिस के लोग जो हैं वो ट्रैफिक को क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि इतनी ज़्यादा सक्रिय गलियाँ हैं यहाँ पर कि यहाँ से निकल पाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, यही कारण है, यही पुलिस के लिए भी कड़ी चुनौती होगी कि क्या बीएमसी आज जो है वो अपने डिमोलिशन में सफल हो पाती है अथवा नहीं। क्योंकि जिस तरह से नोटिस दिया गया था उसके बाद जो सिचुएशन बन रही है उसे देखते हुए फिलहाल ये बात कही जा सकती है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से बातचीत करके पुलिस इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। अब देखना ये होगा मीनाक्षी कि ये लोग समझते हैं या फिर आगे क्या होता है, ये भविष्य के गर्त में है। जी बिल्कुल, हंगामा होते तो हम देख रहे हैं, बीएमसी के अधिकारी भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में है, प्रदर्शनकारी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो एकदम मस्जिद के बाहर आकर खड़े हो चुके हैं, इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? साकेत, ये कुछ समझ में आ पाया है? ऐसे तो नहीं कि कोई पॉलिटिकल बैकिंग भी है इनके पीछे? बिल्कुल, देखिए मुस्लिम समुदाय की तरफ से इसे एक पॉलिटिकल एंगल बताया जा रहा है, जो कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर ये बात कही जा रही है। हालांकि सभी मुद्दों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो बीएमसी के वार्ड अधिकारी और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सुबह ही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दे चुके हैं। रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने पहले ही नोटिस दिया था, यानी कि आप समझिए कि बीएमसी की तरफ से जो लीगल नोटिस है वो पहले ही दे दी गई थी और जो इलीगल स्ट्रक्चर है वो तोड़ने की बात पहले ही बताई जा चुकी थी। हालांकि आसपास के लोगों की भी की तरफ से भी ये बात कही जा रही है
कि यहाँ पर धारावी है, ये स्लम इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे अवैध स्ट्रक्चर हैं, अगर आप तोड़ना ही चाहते हैं तो पूरे के पूरे धारावी को ही तोड़ दीजिए। तो ये दोनों पक्षों की तरफ से आप समझिए कि फिलहाल वार्तालाप की जा रही है, बातचीत की जा रही है, लेकिन अब नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं वो भी इस वक्त पुलिस के केबिन में मौजूद हैं, वरिष्ठ बीएमसी के अधिकारी भी पुलिस के केबिन में मौजूद हैं, दस्तावेज और जो ऑफिशियल नोटिस हैं वो भी एक दूसरे में जो है आदान प्रदान किया जा रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, नोटिस पढ़ रहे हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो मैंने आपको बताया कि कोर्ट में जो नोटिस था, जो डॉक्यूमेंट्स था, वो भी दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि अब देखना होगा कि बीएमसी क्या आज इस डिमोलिशन में सफल हो पाती है अथवा नहीं। जी, पुलिस अधिकारी अगर साकेत बात करने के लिए तैयार हो या बीएमसी के अधिकारी बात करने के लिए तैयार हो तो आप ये प्रयास भी कीजिए और वहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी राय भी जरा दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। वो पूरा इलाका बताएं, कितना बड़ा एरिया है जो कि इनक्रोच्ड है, जो कि इलीगल है, जिसे गिराने की कोशिश इस वक्त बीएमसी कर रही है। देखिए, बिल्कुल, मुंबई में अमूमन जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वही बाइट देने के लिए जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। यही कारण है कि फिलहाल वो सभी अधिकारी केबिन के अंदर हैं। बड़ी मीटिंगें चल रही हैं, सुबह से लगातार दोनों पक्षों के बीच मीटिंग चल रही है। वहीं मीडिया को जो पूरा का पूरा इलाका है वहाँ से कुछ दूरी पर खड़ा किया गया है ताकि आसपास के लोगों से कोई भी उन्हें अगर खतरा होता है तो ऐसी सिचुएशन में जो पूरी की पूरी पुलिस की टीम है उसे टैकल कर सके। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरों में लेकर चलूँगा। अगर आप दूर उस तरफ तस्वीरों में देखें तो इस वक्त देखिए ये ट्रैफिक का जोन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से लगभग 500 मीटर से 600 मीटर की दूरी पर ही वो मस्जिद है जहाँ पर लोग भी इस वक्त इकट्ठा हुए हैं, बाकी लोग भी, अन्य लोग भी इकट्ठा हैं। यहाँ आए हुए लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं, सर क्या मसला है? सुबानिया मस्जिद के डिमोलिशन के बारे में मसला है तो उसके लिए सब पूरे धारावी का आज रोड पर है और मस्जिद को बचाना है और हमारी यही मांग है सरकार से कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सरकार को संभालनी होगी और ये मस्जिद को डिमोलिश ना करें। बीएमसी की तरफ से क्या कहा गया था आप लोगों से, कोई बातचीत की गई थी, क्या कोई नोटिस वगैरह भेजा गया था? जी नहीं, नोटिस तो दिया था, हम लोग कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट में से चल रहा है मैटर। कल रात को वर्षाताई गायकवाड़ सीएम से भी मिले, सीएम ने आश्वासन दिया है कि हम ये कार्रवाई नहीं करेंगे, वही बातचीत चल रही है। बिल्कुल, तो मीनाक्षी देखिए, वर्षा गायकवाड़ यहाँ की मौजूदा सांसद हैं, कांग्रेस से आती हैं वो, और फिलहाल वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है। जब उन्हें इस बात की भनक हुई, जानकारी मिली, तो उसके बाद वो भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं और इस वक्त तीनों लोग ठीक है। क्या सोल्यूशन निकलता है इस पर हमारी भी नज़र बनी हुई है।